गाइस वेलकम और वेलकम टू माय YouTube चैनल पुनम का सब लाइफस्टाइल। तो आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ ये डे टाइम पार्टी मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स टीनेज गर्ल्स। अगर आप डस्की और डार्क स्किन टोन हो तो ये एक मेकअप लुक आप पे परफेक्ट जाने वाला है और ये किसी भी ओकेजन में आप कर सकते हो। कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है, कोई पार्टी है, कुछ भी हो आप ये मेकअप लुक कर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप ये ट्यूटोरियल बताया है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता एंड वीडियो को लाइक नहीं करता। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने मेकअप तो स्टार्ट कर दिया था बट वो स्टेप वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुए, तो मैंने इस NYBA का प्राइमर एंड पाउंस का मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है और NYBA का प्राइमर यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है इनसाइड का HD फाउंडेशन, इसका शेड नंबर MN35 है। ये डीप मीडियम टू डीप एंड डीप स्किन टोन के लिए, नेचुरल अंडर टोन के लिए मैंने हाफ फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई किया एंड ब्लेंड किया है। ये मेरी स्किन टोन का भी नहीं लग रहा है बट ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये मेरी स्किन टोन का हो जाएगा। और बट ये मेरा फर्स्ट टाइम फाउंडेशन लिया था तो मुझे लग रहा था कि मेरा शेड सही है, बट एक बार मैं इसका येलो अंडरटोन भी ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि येलो अंडरटोन भी मेरे स्किन के साथ अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल अंडरटोन है और ये डीप टू डीप स्किन टोन तो है बट नेचुरल अंडरटोन है तो ठीक है। बट ये भी बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होने के बाद। फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ यूज़ किया NYBA का बनाना लूज पाउडर, पाउडर ब्रश से लिया एंड अंडर आई एरिया पे माउथ पे अच्छे से अप्लाई किया। मैं बिना मिरर के पाउडर को अप्लाई कर रही थी तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैं फ़ोन में देख रही थी बट मुझे सही समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उसके बाद मिरर में देख के पाउडर को सेट किया है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ फ़नी हो रहा मेरे साथ। उसके बाद मेकअप को फिक्स करने के बाद अभी बहुत ज़्यादा वाइट फेस दिख रहा है बट वो सेट हो जाएगा अभी मेकअप एंड होते होते। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल एंड ये बहुत ही हाई मतलब बहुत ही अच्छी वाली आईब्रो पेंसिल है, अफोर्डेबल भी है एंड बिगनर हो नहीं आती है फिल करनी तो ये बहुत सही है, इसको ट्राई कर सकते हो एक बार। और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी आईब्रोज फिल नहीं करनी आती है बट मुझे बहुत सही लगी, मैं इसे कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ यूज़ किया है NYBA का आई शेडो पैलेट एंड इसे 3 शेड का मैंने यूज़ किया है। पहले मैंने एक पीच कलर लिया है स्किन टोन का एंड उसके बाद पूरी आईलेट पे फ्लफी ब्रश से ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद मैंने इसे ब्राउन शेड लिया, हल्का सा ब्राउन या फिर ग्रे कलर बोलेंगे, आउटर कॉर्नर पे इसको अप्लाई किया है जिस इस तरह से, मैं समझा नहीं पा रही हूँ बट आप देख के करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसी फ्लफी ब्रश से मैंने इसको आई शेडो को ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद मैंने इसे फ्लैट ब्रश से सिमरी शेड लिया है और फिर उसके इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया है फॉर आउटर कॉर्नर तक, बस हल्का सा जिस तरह से आप देख रहे हो बस इतना ही। एंड फिर उसके बाद मैंने वही ब्राउन शेड लिया है और लोअर आईलिड क्या बोलते हैं इसको वहाँ पे अप्लाई किया है जस्ट, एंड सो फनी ना बट हाँ मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मस्कारा और आज मैं आईलाइनर को स्किप कर रही हूँ, सिर्फ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ, ये स्मच प्रूफ है, मतलब आप इससे आईज ब्लैक नहीं होती हैं तो ये गर्मियों के लिए बहुत सही है, इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ की है ब्लू हेवन की लिक्विड मैट लिपस्टिक, हाइपर मैट लिपस्टिक एंड ये बहुत लिक्विडी पानी की तरह लगती है, वॉटरी एंड बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी एंड इसको एज अ ब्लश भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड नंबर 21 है शायद, मैं भूल गई हूँ बट स्किन पे मेंशन कर दूँगी। फिर उसके बाद इसको मैं एज अ ब्लश भी यूज़ कर रही हूँ, तो देख लो हल्का हल्का, पहले मैंने ऐसे डॉट डॉट करके लगाया, वो मुझे पिगमेंटेशन मिली नहीं तो मैंने उसको फिर हाथों पे लेके ब्लेंड किया एंड फिर उसके बाद अप्लाई किया तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन मिल गई थी, ये बहुत प्यारा शेड है। फिर मैंने इनसाइड का हाईलाइटर लिया एंड उसको हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे लगा आज हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए, बहुत टाइम से किया नहीं मैंने, तो हल्का सा हाईलाइटर यूज़ किया एंड वही हाईलाइटर लेके मैंने आईज़ के इनर कॉर्नर्स में यूज़ किया है हल्का सा। फिर मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स किया एंड ये बहुत प्यारा लुक आया था निकल के, पूरा मेकअप फिक्स हो गया था। आई होप आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और आपको पसंद आया ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।